समस्तीपुर रेल पुलिस ने चलती ट्रेन में यात्रियों का सामान उड़ाने वाला एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पैसेंजर के तौर पर जनरल टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ते थे और रात में यात्रियों का नींद न होने का फायदा उठाकर उसका कीमती सामान उठाकर चंपत हो जाते थे और जैसे ही ट्रेन रफ्तार धीमी होती वे वहां उतर जाते थे। इस दौरान यदि किसी यात्री को चोरी की भनक लग जाती थी तो इस गिरोह के सदस्य उन पर हमला भी करने से बाज नहीं आते थे। मुजफ्फरपुर रेल DSP अतनु दत्ता ने समस्तीपुर रेल थाना पर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर रेल पुलिस होली पर्व को लेकर ट्रेनों में तलाशी अभियान चला रही थी। इस दरमियान रेल थाना समस्तीपुर को सूचना मिली कि ट्रेन में सामान चुराने वाला गैंग दलसिंहसराय में है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां छापा मारकर कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पूछताछ दौरान अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए ट्रेन में यात्रियों से चुराए गए कई बैग को तेघरा दनियालपुर में फेंक देने की बात कही। पुलिस ने उसके निशानदेही पर तेघरा दनियालपुर में सरसों के खेत से कई लेडीज बैग व फर्श आदि बरामद किया है, साथ ही कई आधार कार्ड व मंगलसूत्र भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने वाला एक ग्रुप आज समस्तीपुर स्टेशन पर आया हुआ है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रेल पुलिस ने इस गिरोह के कुल 9 सदस्यों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी का रहने वाला बताया गया है। ये सभी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जयनगर, बरौनी, जसीडीह रूट पर चलने वाले ट्रेन में यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। उनका सामान उड़ाने के बाद उसे बेचकर आपस में पैसे बांट लेते थे। गिरफ्तार अपराधियों ने खुद भी स्वीकार किया है कि वो चलती ट्रेन में किस तरह घटना को अंजाम देते थे। इनमें से अधिकतर के पहले से भी आपराधिक इतिहास रहे हैं। रेल पुलिस इन अपराधियों से मिली जानकारी के आधार पर अब ट्रेन में हुई कई वारदात की पड़ताल और पीड़ित यात्रियों को उनके चोरी के सामान मुहैया कराने की कोशिश में जुटी हुई है। निकाली मुंह मत खोलो। कोई समस्या नहीं है, तो बड़ी अच्छा। चलो, होली के अवसर पर अपराध नियंत्रण हेतु रेल जिला मुजफ्फरपुर में विशेष अभियान चलाई जा रही थी। इस दौरान समस्तीपुर रेल थाना सूचना मिली कि कुछ अपराधी लोग, 2-3 गैंग है जो अलग अलग ट्रेनों में रात्रि के समय यात्रियों के सामान को चोरी करते हैं। उसमें कुछ सदस्य दलसिंहसराय में जुटे हुए हैं, तो थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें दलसिंहसराय में स्टेशन पर 5 अपराधी पकड़े गए। उनके पास से चोरी की कई मोबाइल बरामद हुई। उन लोगों ने बताया कि ट्रेन में चोरी की हुए सामानों में से बहुत सारे लेडीज पर्स हम लोगों ने तेघरा के पास एक खेत में हम लोग बीक दिए हैं। लेडीज पर्स को हम लोग उसको बरामद करवा सकते हैं। वो दनियालपुर गांव के नजदीक वे अपराधी लोग चलकर दनियालपुर एक सुनसान जगह में सरसों के खेत से 3 लेडीज पर्स, जिसमें अन्य पर्स भी थे, आधार कार्ड थी और उसमें मोबाइल भी थी, इसके अलावे मंगलसूत्र भी बरामद करवाए। और ये जो ग्रुप थी ये बताया कि एक ग्रुप समस्तीपुर में आज चढ़ने वाला है जो ट्रेनों में अपराध करेंगे। फिर समस्तीपुर में पूरी टीम आके छापामारी की, जिसमें 4 चोर पकड़ाए। उनके पास से भी चोरी की मोबाइल इत्यादि पकड़े गए। जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं वे मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के हैं। इन लोग के मॉडस ऑपरेंडाई है कि ये बकायदा टिकट काटकर एज ए यात्री बनकर ट्रेन में चढ़ते हैं बरौनी, समस्तीपुर और डिफरेंट जगह से, और रनिंग ट्रेन में सोए हुए यात्रियों को बैग, पर्स इत्यादि जो चीज मिलते हैं लेकर वे जहां पे ट्रेन धीमी होती है वहां उतर जाते हैं। अधिकांश की आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल गए हुए हैं यहाँ से, दरभंगा से। बाकी सारे की आपराधिक इतिहास ज्ञात की जा रही है। इन लोगों ने अन्य अपने साथियों का भी नाम बताया है और क्या क्या सामान कहाँ कहाँ से चोरी की सारी चीज बताए हैं, जिसके विरुद्ध छापामारी की जा रही है। अन्य अपराधियों को जल्द ही पकड़ी जाएगी। प्रशासन रेल थाना समस्तीपुर का यह कार्य
बहुत अच्छी काम है, जिसके लिए इन्हें जो भी कर्मी इनके इस पूरे ऑपरेशन के दौरान रहे उन्हें पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। तो क्या लग रहा है सर, ये होली के मौके पर जो है गैंग बना के लूट की घटना को अंजाम देते ट्रेन में, ये जो अब तक पूछताछ में है, इन लोग एक ग्रुप बना के एक ट्रेन में 3-4 आदमी एक ट्रेन में चढ़ जाते थे अलग अलग बोगियों में। जिस जगह पर उन्हें मौका मिलता था वो मोबाइल मिलता था मोबाइल ले लेते थे, बैग लेडीज पर्स मिलता था लेडीज पर्स ले लेते थे, रात्रि का निद्रा अवस्था का ज्यादा फायदा उठाते थे। कुल कितने अपराधी पकड़े गए? कुल 9 अपराधी पकड़े गए हैं। क्या क्या सामान बनाओ? 15 मोबाइल ओप्पो का है, आपको एप्पल का है और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की मोबाइल है। इसके अलावा मंगलसूत्र बरामद हुए है, लेडीज बैग 3 बरामद हुई है, लेडीज पर्स 2 बरामद हुई है और डिफरेंट आधार कार्ड पैन कार्ड एटीएम कार्ड ये सब बरामद हुई। कहाँ कहाँ करते थे? यहाँ से जाते थे बोराऊ में ट्रेन से, हमने से ट्रेन से आते थे, भरी शुरू होता था लेट होकर जाते मोबाइल वोबाइल हो सकता है तो पसिंदरों से चल जाते थे, यहाँ कर लेते थे। यात्री को पता नहीं चलता था क्या? यात्री से उतर रहा था। अच्छा, कौन कौन क्षेत्र में क्राइम किए? मैं समस्तीपुर बोराऊ में। तो अभी होली के समय पर ज्यादा टारगेट रहता था तुम्हारा? नहीं, मतलब करते थे बहुत दिन से। हाँ। लेकिन होली के समय में अभी जरूर नहीं, मतलब टारगेट करते हैं सब। अच्छा, पहले से करते चले, उतरने के बाद क्या कर रहे सामान? उतरे उतरने के बाद सामान सब बेच रहे। अच्छा, पैसा को लेता था। कितने इस गैंग में कितने लोग शामिल हो इस गैंग में? हम लोग 3-4। हम ट्रेन में करते थे लूटपाट, सिग्नल लेके उतर जाते थे, गाड़ी कहाँ रुकता था वहाँ आगे बस परस लेके उतरते। रात में सोए अवस्था में ज्यादा करते? हाँ, सोए। कितना दिन से ये काम कर रहे हो? एक आध साल से। कहाँ काम ग्रुप से किए हो अभी तक? हम बाहर भीतर करते थे, फिलहाल में इधर आए थे समस्तीपुर। किस किस रूट में करते हो ज्यादा? देवघर जैसे समस्त मुजफ्फरपुर बेगूसराय बरौनी। हाँ। कितना आदमी है तुम्हारे टीम में? मेरे टीम में अभी अकेले हैं। ये सारे 9 लोग जो तुम लोग हो साथ में? जी जी। पूरा प्लानिंग करके काम करते हो? नहीं, ये लोग मिल जाता है दोस्त के नाते बुलाता है स्टेशन पर मिलता। तो ये सामान चोरी करने के बाद कहाँ खपाते हो? सब बेच देते।